नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। एसजीआरआर पीजी कॉलेज देहरादून में निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष पार्थ जुयाल व अध्यक्ष छात्र परिषद प्रिंस भट्ट सोमवार को अपने नगर सतपुली पहुंचे, जहां नगरवासियों ने सतपुली के मुख्य द्वार पर फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ पार्थ का जोरदार स्वागत किया। वहीं पार्थ और प्रिंस भट्ट के साथ नगर में स्वागत रैली निकाली गई। उसके उपरांत पौड़ी रोड स्थित एक होटल में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नगरवासियों ने पार्थ जुयाल को छात्र संघ अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए राजनीतिक सफर के शुरुआत की शुभकामनाएं दी। वहीं कहा कि छोटे से नगर से निकलकर देहरादून महानगर में ये मुकाम हासिल करना नयार घाटी सतपुर के लिए गर्व की बात है। इस दौरान पार्थ जुयाल ने स्वागत समारोह के लिए सभी नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। वहीं पार्थ जुयाल की मां इंदु जुयाल अपने वक्तव्य में भावुक होकर रो पड़ी। स्वागत समारोह में एपीवीपी प्रदेश सह प्रभारी ऋषभ रावत, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एसजीआरआर गिरीश भट्ट, देहरादून महानगर सहमंत्री राहुल जुयाल, पार्थ जुयाल की मां इंदु जुयाल, पूर्व प्रधान जगदम्बा डंगवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष जयदीप नेगी, कोषाध्यक्ष सुनील डंडियाल, पूर्व महामंत्री सत्यनारायण वेदी, रोहन नेगी, पंकज डोबरियाल, कुसुम खंतवाल सहित नगरवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण वेदी व प्रिंस भट्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जिन लोगों के सामने तुम बड़े हो, इनकी गोदियों में तुम खेले हो, इनके सामने तुमने बोलना सीखो, उन लोगों द्वारा स्वागत किया जाता है, तो एक भावुक सा पल था मेरे लिए। मैं इन सभी का लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने छात्र संघ अध्यक्ष बनने के पश्चात जब मैं सर्वप्रथम सतपुली आया तो इतना भव्य मेरा स्वागत किया। काफ़ी भावुक क्षण है मेरे लिए तो, और हमने बचपन से हम साथ ही रहे, साथ ही हमने सब कुछ देखा, एक जैसे कपड़े पहने, साथ उठे बैठे, खेला कूदा सब एक साथ हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। और जिस दिन अध्यक्ष बना उस दिन भी मेरे लिए काफ़ी भावुक क्षण था कि दोस्त आज अध्यक्ष है और मुकाम पे है, जो हम चाहते थे कि हमारा भाई हमारा दोस्त अध्यक्ष बने। काफ़ी भावुक क्षण था आज हमारे लिए जब हमारा भव्य स्वागत यहाँ से पूरी में हुआ, अपने गृह क्षेत्र में हुआ। और अपने लोगों के बीच में तो ज़्यादा सब निकलते नहीं हैं, हम ये सोच पाऊँगा कि अपने लोगों के बीच में क्या ही ज़्यादा बोल पाएंगे हम, जिन लोगों ने हमें सिखाया, जिनके सामने हम उठे बैठे, उनके सामने हम क्या ही बोल पाएंगे। ये छात्र संघ चुनाव जब हम लड़ रहे थे तो इस बार सबसे ज़्यादा वोटों से एसजीआरआरपीजी कॉलेज के इतिहास में और उत्तराखंड में भी सबसे ज़्यादा वोटों से हम एसजीआरआरपीजी कॉलेज में जीते हैं, तो इसके लिए सभी सतपुली वासियों को भी बधाई है। और जितना वोट का अंतर रहा उसको देखते हुए हमें पहले से अंदाजा था कि हम चुनाव तो जीतने वाले, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम 400 वोट से जीतेंगे, पर हमें इतना समर्थन वहां पर विद्यार्थियों को मिला कि हम 750 वोट से जीत कर आए। और इसके लिए सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करता हूँ और आज हुए स्वागत के लिए सतपुली वासियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।